सबको कट कर लिए हैं। अब हमें इस टाइप के कलर पेपर चाहिए होगा जो मैंने कलर करके पहले से रखे थे इस साइज के। आपको इसके कॉर्नर में जो है ग्लू लगाना होगा ताकि ये पजल उसमें जा सके। ये ग्लू लग चुका है, अब ये इसे हमें इस प्लेस पे लगा देना है और फिर इसे सूखने के लिए रख देना है। जब तक ये सूख रहा तब तक हमें शॉप में जो है फूड रखने के लिए जगह बनाना होगा। उसके लिए भी आपको इस टाइप के चार से पांच जो आपको इस टाइप के कलर करके पेपर काटने होंगे। इसे भी आप कॉर्नर में और नीचे में जो है थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा करके जैसे हम लगा रहे हैं वैसे लगा करके स्टिक कर देना। इसी तरीके से एक दो तीन तीनों को ऐसे ही आपको चिपकाना होगा। ये तीनों को चिपका दिए हैं, अब इसे सूखने दें और इस जगह आप इसमें जो है आप अपने पजल रखें और बनाते समय या ग्लू डालते समय ये याद रखें कि इसके अंदर जो है स्पेस रहना चाहिए जिस कारण ये आपका पजल इसके अंदर इजिली घुस जाए। इसके भी अंदर आपको थोड़ा सा स्पेस छोड़ना होगा ताकि आपका फूड इसके अंदर चला जाए। अब हम नेक्स्ट चलिए बनाते हैं। इस पेज के लिए भी हम सेम प्रोसेस करेंगे जो हमने पीछे वाले पेज में किए थे। आपको इस तरीके के स्टिक जो मैंने पेपर बताए थे इस तरीके के बना के इस तीनों के ऊपर चिपकाने होंगे। चलिए चिपकाते हैं, इसे चिपका लिया है। उसके बाद हम आगे वाले पेज पे चलते हैं। पेज में भी हमें जो है यहाँ पे शू, ये हमारे ड्रेसिंग रूम है इसमें हमें को शूज रखना है। तो शूज रखने के लिए हमें यहाँ पे इसी टाइप के जो है दो पेपर है इसे भी उसी तरीके से यहाँ और यहाँ पे चिपकाना होगा। फ्रेंड्स आपको जो है इसका आपका ये अलमीरा बनाने के लिए आपको इस तरीके का दो चाहिए होगा, जो दो पेपर पीस जो कि बिल्कुल इसके इक्वल हो। दिख रहा है आपको भी, आपको जो है इसको इस तरीके से चिपकाना होगा इसके कॉर्नर में ओनली, बस इस तरफ आपको जो है लगा के इसको इधर आप ऐसे स्टिक कर दे, वैसे ही इसको भी कर दे। और इसे सूखने के लिए रख। फ्रेंड्स अगर आपके पास इससे भी अच्छी पेपर क्वालिटी है तो आप कलर पेपर से भी ये गेम बना सकते हैं। जब तक वो सूख रहा है तब तक ही हम इसका ड्रेसिंग रूम का कर लेते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले ऐसा पेपर चाहिए होगा इस इतने लेंथ के ताकि जो इसके अंदर इसका मेकअप अट जाए। इसके कॉर्नर में ग्लू लगा दें, स्पेस छोड़ना है ताकि इसका मेकअप इसके अंदर आ जाए और इसे स्टिक कर दे। अब इसे भी सूखने दे, ये सूख गया है। अब आपको जो है इसमें ड्रेस रख सकते, इसलिए आपको ऐसे कलर पेपर चाहिए होगा। फिर आपको ये जो लाइन हम खींचे हैं किए हैं उस हिसाब से आपको जो है इसे चिपकाना होगा। तो आपको इससे भी उसी तरीके से चिपकाना होगा जिस तरीके से आप सबको चिपकाते हैं। इसे भी चिपका ले और इसी तरीके से इसे भी चिपका ले। इस तरीके से आपको इसे भी चिपकाना है। और इसके सूखने देना है और तब तक आपको जो है इसके कॉर्नर में आपको जो है आपको रखने के लिए जो है इस टाइप ऐसे दो पेपर कलर पेपर चाहिए होगा इतने ही साइज के। उसके बाद आपको इस यहाँ पे बस लेफ्ट और राइट के तरफ जो है आपको लगा के इसे लगा देना होगा ताकि यहाँ पे एंजेला के जो है बाल या ड्रेस आ सके। इसे भी ऐसे ही दोनों तरफ से चिपका दें
और इसे अब सूखने दें। इजी आप बना सकते हैं इस तरीके से। ये आई शेडो है कि आप ऐसे बहुत बना सकते हैं। ये ब्लश है, आप ये भी बना सकते हैं। और ये लिपस्टिक है जो, तो ये सब आपको इसके अंदर डालना होगा। ये हो गया फ्रेंड्स। अब हम एंजेला के ड्रेस कैसे बनाए, शूज कैसे बनाए और हेयर कैसे बनाए वो सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इसके ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले इसका आपको नाप लेना होगा ताकि ये ड्रेस एंजेला को बड़ा या छोटा ना हो जाए। तो हम इसके फ्रॉक बना रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। आप इसमें कुछ भी, कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। शूज देखते हैं। इसके शूट के लिए इसके पैर की चाहिए। उसके बाद हमें इसे इसके बाल बनाने के लिए जो है इसके सिर के नाप लेने होंगे इस तरीके से। इसके कानों को छोड़ के फिर ऐसे इसे भर दें। आपको जिस तरीके का बाल बनाना है, मैं ओपन ईयर बना रही हूँ। ये हो गया। और आप ये आगे का डिजाइन है, आप आगे भी अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिजाइन दे सकते हैं। ये सबको आप जो है अब ब्लैक पेन से ऊपर से आउटलाइन कर दें। आउटलाइन करने के बाद हमें इसे इरेजर से इस पेंसिल के निशान को मिटा लेना है। फिर इरेजर से मिटाने के बाद आप इस ड्रेस, शूज और हेयर को आपको जो कलर पसंद है उस अकॉर्डिंग टू आप कलर कर सकते हैं। कलर करने के बाद आपको जो है शूज के इधर जो है इस तरीके से लाइन ड्रॉ करने हैं और साथ ही साथ इसके अभिव्यक्ति में ड्रॉ करना है। उसके बाद इसे आप कैची से इन सब को जो है काट लें। फ्रेंड्स, हमने सबको काट लिए हैं। आप चाहे तो ड्रेस को और भी डेकोरेटिव बना सकते हैं। इस पे कुछ बीट्स या ग्लिटर लगा के, अभी मैं ग्लिटर लगा के इसे थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने का ट्राई करती हूँ। तो मैंने इस ड्रेस पे और थोड़े से शूज पे जो है ग्लिटर लगा लिया है। अब इसका एंजेला का ड्रेस तो बन गया, और ड्रेस बन गया। अब हमें इसका शूज बनाना है। तो शूज बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसके पैर के ऊपर पैर ये रखना होगा और पीछे से हमें ग्लू को दे थोड़ा सा ग्लू लगाकर इसे दूसरे वाले जो स्टिक है उस पर चिपका है। ये चिपक गया है। अब आप इसे खोल दें और इसे सूखने दूसरे तरफ इसे सूखने दें। अब हमें इसके बाल बनाने हैं। बाल बनाने के लिए हमें इसके ये लेने हैं और यहाँ पे जो है आपको इसके कान, एंजेला के कान को देखते हुए आपको ग्लू लगाना है। मतलब यहाँ पे जो है आपको इस तरफ और इस तरफ थोड़ा सा स्पेस छोड़ के ग्लू लगाना है, जिससे एंजेला का ये जो इसका ये हेयर है वो इसके हेयर में इजली आ जाए, ये इसमें इजली फिट हो गया है। अब हम इसे ड्रेस और शूज पहना के देख सकते हैं। ये अपने हेयर, शूज और ड्रेस पहन चुकी है। अब हमें जो है इसके फूड बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं। कुछ कुछ
इस तरीके से आपको इसके फूड बना के इसे ब्लैक पेन से आउटलाइन करके कलर करके आप इसे कैची से काट करके इसके डिफरेंट फूड्स बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड, हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड छोटे छोटे बना लिए हैं। अब आपको जो है इसमें इसको अरेंज करके जो है आपको रखना होगा। हमने इसे फूड को अच्छे से अरेंज कर लिया है इस शॉप में और दूसरे शॉप में। फ्रेंड्स, यहाँ हमारा माई टॉकिंग एंज लगिंग कंप्लीट होता है, तो देख सकते हैं हमारा माई टॉकिंग एंज लग कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you are new in my channel, please subscribe and like my videos. Friends, please video ko subscribe aur channel ko like kare, kyunki is video ko banane mein bahut mehnat laga hai. So thank you for watching this video to end. Thank you.